नमस्कार, प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसी श्रृंखला में ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को फटाफट लिखते रहेंगे जिससे कि आंसर आप लोग को याद होता चले। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न देखने से पहले ये गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लें, उसके बाद आंसर को बनाएंगे। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न पहला ही प्रश्न है, आज की बड़ी समस्या क्या है। चलिए गद्यांश आप लोग पढ़ ही लिए हैं, बताइए आज की बड़ी समस्या क्या है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए, ये बिल्कुल आज की सबसे बड़ी यही समस्या जो है बनी हुई। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखने से पहले, एक कविता की पंक्ति लिखी हुई है और इस कविता की पंक्ति को आप लोग स्पष्ट से पढ़ेंगे और दूसरा प्रश्न का उत्तर बनाने का कोशिश प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़िए, पढ़ लिए होंगे, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में है, काव्यांश में ये चमकीली सुबह का आशय क्या है, ये बताना है। जैसे कि अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह के सूर्य की किरणों से चमकीली सुबह, सफ़ेद कोहरे से चमकीली सुबह या फिर प्रातःकाल का समय। आप लोग कविता जब पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह जो है यही काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में एक वाक्य लिखा गया है। वाक्य है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, और ये वाक्य जो है ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। जैसे सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य होगा। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, पिता ने समझाया कि जो है सदा सत्य जो है बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा सी मिश्र वाक्य होगा। ठीक, आप लोग जानते ही हैं सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और आप लोग कमेंट करके अंत में जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए जिससे कि अन्य फ्रेंड को भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। जैसे विभाव है, अनुभाव है, अस्थाई भाव है या फिर संचारी भाव होगा। रसों की को जो है उद्दित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री के बारे में पूछा गया है और उसे क्या कहते हैं ये बताना है। चौथे का ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट करके आप लोग फटाफट बताएं। तो यहाँ पे उसको विभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में ये सेंटेंस जो है वाक्य लिखा गया है, पंक्ति लिखी गई है। ठीक, इस पंक्ति को पढ़ें और इसमें अलंकार कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें दो जोड़ा अलंकार है, जैसे उपमा और रूपक है, यचक और श्लेष है। यचक नहीं, ये यमक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अगला है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, अनुप्रास और यमक है। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पाँचवी का सी राइट आंसर होगा। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। भाषा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, चरित्र निर्माण है या इनमें से कोई नहीं। छठे का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य जो होता है वो भाषा ज्ञान ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न है, ये दिख रहा होगा, आप लोग बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। सातवें प्रश्न का ऑप्शन जो सही होगा कौन सा है, ये इनमें से कोई नहीं ये सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा डी राइट आंसर होगा। ना तो ए सही होगा, ना बी, ना सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए आठवें प्रश्न में, सीआर का तत्सम क्या होता है ये बताना है। श्रृंगार होता है, सियार होता है, सयालक होता है या श्रृंगाल होता है। आठवां, तो सीआर का तत्सम जो होगा वो श्रृंगाल हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। विलोम शब्द को बताना है, कौन सा शब्द जो है विलोम शब्द का
युग्मों में कौन सा सही नहीं है, विलोम शब्द का सही जोड़ा कौन सा नहीं है ये देखना है। ठीक, चलिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी है नवे का। तो भिक भिक का विलोम जो है अनभिज्ञ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये गलत है, मैंने पहले ही बता दिया कि भिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो अनभिज्ञ होता है, ना कि सभिज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, षटपद का पर्यायवाची क्या होगा? तितली है, भ्रमर है, मकली भ्रमर है, मकड़ी है या फिर केकड़ा होगा? देखिए अच्छा प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा भी सेंस लगाएंगे तो पकड़ लेंगे। ये षटपद पद का जो क्या कहते हैं पर्यायवाची होता है ये भ्रमर का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भ्रमर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है 11वें प्रश्न में जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है ये बताना है। वह है श्रेष्ठ है, उपासक है, कौन सा होगा इसमें? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें विशेष बताना है, सभी लोग को मालूम है विशेष और क्या होता है, विशेषण क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उपासक जो है ये विशेष है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो प्राण जो होते हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला लेते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जैसे मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो 13 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे संप्रदान कारक का उदाहरण बताना है। तो संप्रदान कारक का उदाहरण जो होगा, राजा ने निर्धनों को जो है कंबल दिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये जो कारक होते हैं इनके चिन्ह तो याद ही होंगे, जैसे कर्ता कारक जो होते हैं उसका चिन्ह है ने, कर्म का है को, करण कारक का है से या के द्वारा, अगला है संप्रदान के लिए, जैसे यहाँ संप्रदान कारक था तो इसका जो वो होता है को होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, और को के और के लिए भी कह सकते हैं। ठीक, अगला है अपादान का से या अलग होना का अर्थ निकलेगा यहाँ पे, और संबंध तो जानते ही, का की के रारी रे अधिकरण में पर होता है, और संबोधन कारक जो होता है उसमें हे अजी होता है। ठीक, चलिए जैसे संबोधन हे अजी, ऐसे ये संबोधन कारक है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये संस्कृत का जो है यहाँ से शुरू हो गया है, तो यहाँ पे ये संस्कृत का नहीं है, इसमें उपसर्ग बताना है। आप लोग बताइए कौन सा इसका उपसर्ग सही हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे प्रति उत्पन्न जो है और मति अलग अलग लिखा जाएगा, तो यहाँ पे उपसर्ग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रति उत्पन्न प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? 15 का ऑप्शन नंबर बताइए, विसर्ग संधि कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप और पयोध जो लिखा गया है, इसमें किसका जो है संधि विच्छेद संधि जो है विसर्ग संधि नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुस्वार जो होगा इसका जो है विसर्ग संधि नहीं बनेगा, बाकी सभी का बन जाएगा। जैसे मनोनुकूल का जो बनेगा वो मनः प्लस अनुकूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनस्ताप जो लिखा गया है इसमें मनः प्लस ताप हो जाएगा, और पयोध जो लिखा गया है इसमें पयः धन दा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? एक शब्द लिखा गया है जो ये देहलता, इसमें कौन सा समास है ये बताना है। 16वीं का ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास का ये उदाहरण होगा। देहलता का तात्पर्य है कि देह रूपी लता इस
जो है होती है जो उसी को ही कर्मधारय का समास का उदाहरण माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सही मुहावरा बताना है। जैसे नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, ये देखिए मिल ही है, आंखों में धूल झोंकना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा, इसके लेखक के बारे में बताना है। यशपाल जी हैं, नागार्जुन जी हैं, गजानन माधव बोध हैं, या फिर अमृत राय जी हैं। चलिए देखते हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक जो हैं ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हम बताते चलेंगे, आप लोग उसको नोट करते चलिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वाक्यांश है, इसमें कौन सा शब्द जो है वाक्य जो है असत्य है ये बताना है, मतलब अशुद्धि वाल जो अशुद्ध है उसी को ढूंढना है इसमें। जैसे क्षण क्षण में या शीघ्र टूटने वाले को क्षण भंगुर कहते हैं। तो पहला देखिए, जैसे क्षण में या शीघ्र जो टूट जाता है उसको क्षण भंगुर कहते हैं, ना कि खंडर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा मतलब अशुद्ध होगा वो पहला ही अशुद्ध हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं बात करते हैं, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय होता है, दोपहर के पहले का जो समय होता है उसको पूर्वाहन कहते हैं, और बाद के समय को यानी कि 12 बजे के दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है, ये तो मालूम ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तुरंग है, मृगेंद्र है, मृगराज है, या व्याघ्र है? बी इसका बताना है, बी इसका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अलग जो है वो तुरंग है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग क्यों है तुरंग शब्द जो है ये अलग क्यों है? इसका आशय है घोड़ा, बाकी सभी का आशय जो है वो जैसे कि मृगेंद्र, मृगराज व व्याघ्र जो है ये तीनों शेर के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये गद्यांश जो लिखा गया है यानी पैराग्राफ्स लिखा गया है, ये इंग्लिश का पैराग्राफ्स है, आप लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक, नहीं पढ़ पा रहे हों तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न के अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न जो है, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वाज देयर। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेंटेंस पैराग्राफ्स आप लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल सिंप्लिसिटी जो है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे ये पोयम दी गई है, इस पोयम को पोयम है हाँ पोयम ही है, इसको आराम से पढ़िए, उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न बनाइए। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ठीक, फिगर ऑफ स्पीच वो भी किसका, देखिए यहाँ से लिखा गया है, वेयर द विंड इज लाइक अ वीटेड नाइफ। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा इसका सही है, मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर ट्रांसफर्ड इफेक्ट्स है। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी राइट आंसर होगा, ये सिमली का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये अलंकार का जो है, अंग्रेजी में अलंकार, हिंदी में अलंकार इसको कहते हैं। ठीक, और ये सिमली जो है इसको ही यमक अलंकार कहते हैं, ये यमक अलंकार का उदाहरण है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न, आप लोग पढ़ेंगे ठीक और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ से ग्रामर जो है शुरू हो गया, तो सी ऑप्शन इसका ये एडजेक्टिव जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉरेस्ट आई वाज, माफ कीजिए, आयशा ए उसके बाद स्पेस है ऑफ डियर। 24 का ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, हेयर्ड हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स इज, तो 25 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी राइट आंसर होगा, यहाँ पे सो बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेस के स्थान पे फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा यहाँ पे? सेंटेंस पढ़िए पढ़िए और ऑप्शन को बताइए। 26 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जो होगा वो भी राइट आंसर हो जाएगा, हैज बीन लिविंग यहाँ पे ऑप्शन में भरा जाएगा खाली स्थान पे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, और यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस यहाँ पे ढूंढना है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामा द सन ऑफ दशरथा वाज वेरी ब्रेव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 28 नंबर का प्रश्न लेते हैं, और इस प्रश्न में है कि मीनिंग अप्रूव्ड करना है, सेंटेंस लिखा गया है, बताइए आप लोग कौन सा सही होगा इसका 28 नंबर में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर में, यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है बॉक्स, इसका प्लूरल बनाना है, प्लूरल जो है इसका कौन सा सही होगा? 29 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बॉक्स का प्लूरल जो होता है वो बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तरफ बढ़ते हैं, और 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिस इज द कैट, उसके बाद फिर स्पेस है आयशा, तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा दैट फिल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है संस्कृत है, संस्कृत का आप लोग का कमेंट हमें मिला है कि सर संस्कृत के ऑप्शन क्यों ही बता दिया करें, तो चलिए ऑप्शन को हम बता देते हैं, आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर बनाते रहेंगे हमारे साथ। ठीक, चलिए ये गद्यांश है इसको आराम से पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑप्शन प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 31 नंबर पे जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग गद्यांश पढ़ ही लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न 32 पे चलते हैं, 32 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुप जो है प्रत्याहार में पत्तियों की संख्या जो होती है 21 होती है। ठीक, यहाँ रखिएगा अगला, अनुनासिक वर्णों की संख्या बताना है, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5 होती है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अनुनासिक वर्ण होते कौन हैं? ये जो अस्पर्शी 25 अस्पर्शी व्यंजन होता है उसका पंचमा अक्षर जो होता है, जैसे ड इ ढ न म, ये जो होते हैं ये सभी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर का, 34 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, और 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं कौन सा सही होगा, तो डी देखिए, इको यणच जो है यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इको यणच इसका सही उदाहरण होगा। नेक्स्ट है मनीषा का संधि विच्छेद कौन सा है, 36 नंबर में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन मनस प्लस ईसा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, और 37 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो यहाँ पे शब्दों में यानी संस्कृत के शब्दों में गिनती लिखी गई है, तो संख्या कौन सी है ये बताना है, तो यहाँ पे ये 96 यानी 96 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 38 नंबर पे, और 38 नंबर का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे अका प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण के बारे में बताना है, तो अका प्रत्याहार जो वर्ण होते हैं उसमें वर्ण जो आते हैं आ ई उ ली री और ली, ये सभी आते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 38 के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है लिखा गया है श्लोक है इसको स्पष्ट आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न का उत्तर बनाएंगे, तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग 39 नंबर पे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे कल्प वृक्षस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होने के साथ 40 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, और 40 नंबर का प्रश्न है पढ़िए आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ। बढ़ते हैं 41 नंबर पे, और 41 नंबर का प्रश्न, अब यहाँ से साइंस के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, तो चलिए इसका प्रश्न पहला ही है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान जो है किस प्रकार से स्थिति पैदा होती है ये बताना है,
41 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जैसे कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होती है? तो इसमें जो होता है ये उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। ठीक, इस दौरान ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 41 नंबर का। इसी के साथ बढ़ते हैं 42 नंबर पे। प्रक्षेपण किसे उद्योदित करता है? तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही राइट आंसर होगा। मानक विचलन का मान जो होता है उसे ही ये द्योदित करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर होगा। ठीक, उच्चारण पे आप लोग मत जाइएगा, देखिए प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए एक यंत्र दिया गया है और इस यंत्र से जो है रक्त दाब को मापना है, तो किस के रक्त दाब को ये मापेगा? रक्त दाब को मापता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। इल्मेनाइट जो होता है उसके बाद फिर स्पेस क्या एक अयस्क यानी कि किसका अयस्क है ये बताना है, तो ये टाइटेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 का है, पानी का रासायनिक सूत्र बताना है। तो सभी लोग को पानी का रासायनिक सूत्र मालूम ही है, H2O होता है यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणु जब मिलते हैं तो पानी का निर्माण कर देते हैं, जल बना देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, H2O। यही बात करते हैं इसके पीएच मान की, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बोरेक्स, ब्लीच या फिर एप्सम साल्ट? बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है साधारण नाम बताना है, तो इसका साधारण नाम जो होगा बेकिंग सोडा है। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया हो जाती है, हीमोफीलिया हो जाती है या फिर पॉलीसाइथेमिया हो जाती है? नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया होता है। 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है इसका? देखिए हमारे शरीर में जो उपस्थित खून होता है उसका 40-45% तक लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसको आरबीसी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये इनमें पाई जाती हैं। ठीक, तो इसमें जो स्थिति बनती है ये बढ़ने की, वो ऑप्शन नंबर सी पॉलीसाइथेमिया के बढ़ने की स्थिति होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? ए है, सी है, के है या फिर डी है? जल में घुलनशील सभी लोग जानते होंगे, ये प्रश्न थोड़ा लंबा कर दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील जानते ही हैं, तो जल में घुलने वाला या जल में घुलनशील जो होता है बी और सी होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा बी और सी होता है। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं, गई भैंस पानी में, यानी पानी में जो घुलनशील कौन सा है? भैंस, यानी बी और सी। ठीक, ये इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए, सी जो है यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 का बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न पे चलते हैं। घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? बहुत देर हो गया, आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? जिंक है, कैल्शियम है, आयोडीन है, क्लोरीन? चलिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी को मालूम है कि यहाँ पे घेघा नामक रोग जो होता है वो आयोडीन नमक की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन जो है काल कितना होता है, यानी कि RWBC जो है उसका जीवन काल कितना होता है? 10-15 दिन, 30-60 दिन, 100-120 दिन, 365-400 दिन का? तो यहाँ पे 10-15 दिन जो है WBC का जो है औसत जीवन काल होता है, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और यहाँ पे 51 नंबर से लेकर के 79 यानी 70 तक जो है आपका
गणित का प्रश्न है, गणित का प्रश्न हम लोग स्किप करते हैं, और आप लोग को अगर सॉल्व करना है इसको तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश को क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए, और वहाँ से जो है आप लोग इसके पूरे पीडीएफ को 150 प्रश्न का पीडीएफ जो है वहाँ से लोड करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारे सर के साथ इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सुबह की क्लासों में ये वीडियो डिटेल में पढ़ाया जाता है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला पोर्शन जो है ये हमारा यहाँ 71 से शुरू होता है। ठीक, तो इसमें है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो मैंने पहले ही आपको अभी ऊपर के प्रश्नों में ही बता दिया था कि जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, बी है और सी है। ठीक, चलिए कूटनीति पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी विटामिन यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, बी यानी कि तीसरा और चौथा सही होगा। ठीक, तो देखिए कौन, केवल तीन और चार दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है। पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, पत्तियों को, तना को, पुष्प को या फिर जड़ को। 72 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये बताना है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पत्तियाँ जो होती हैं उन्हीं को पौधों का रसोई घर कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। हरी पत्तियाँ जो होती हैं पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक, और पत्तियाँ जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल क्लोरोफिल के प्रकाश की उपस्थिति में जल क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही भोजन बनाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वह पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है, मथुरा में, आगरा में, मेरठ में या फिर चित्रकूट में। और ये प्रसिद्ध पशु मेला है ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूपी की बात किया गया है। ठीक ऑप्शन, और बात करते हैं सबसे बड़ा एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला तो वो सोनपुर बिहार में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की और वो भी बटेश्वर पशु मेला की बात किया गया है तो ये आपका आगरा में लगता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा पशु मेला है। ठीक, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पे देश विदेश से लोग भी आते हैं। ठीक, चलिए भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर है या फिर संतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत है, अगला है चौराबारी झील है या फिर गंगोत्री ग्लेशियर होगा। तो भागीरथी का उद्गम स्थान बताना है, अच्छा प्रश्न है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यह गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के उत्तराकाशी में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहीं पे एक स्थान है देवप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा इसी भागीरथी से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन सही होगा। उपराष्ट्रपति जो होता है वही हमारे राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता करता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी ध्यान रखेगा, और उच्च सदन इसी को ही कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है किस नगर में नगर निगम नहीं है, अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 76 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आजमनगर आजमगढ़ जो है ये आजमगढ़ है। ठीक, आजम पूरा सही लिखा नहीं गया है लेकिन आप लोग ध्यान रखिए आजमगढ़ है, यहाँ पे नगर निगम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बच्चों के बारे में कहा गया है, ध्यान रखिएगा ये भी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले जा करके पर्यावरण से सजीव चित्रण कराना ही इसका सबसे अच्छा और सर्वोत्तम विधि माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम बताना है।
ईमेल एक कंप्यूटर का प्रश्न है, ठीक, तो बताइए ईमेल का पूरा नाम। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इंटरनेशनल मेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ये ईमेल का पूरा नाम है। आप लोग ईमेल तो सुने ही है ना, ये डिजिटल संचार का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? 79 का काकोरी षड्यंत्र मामला है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश राज में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो है भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक एक मंशा थी, और ये 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। काकोरी षड्यंत्र ये आपका सहारनपुर और लखनऊ एक पैसेंजर ट्रेन थी जो काकोरी नामक स्थान पर इसको कांड को अंजाम दिया गया था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 80 नंबर का प्रश्न भी राइट आंसर होगा। यहाँ पे केशव चंद्र सेन जी जो थे वो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक के रूप में 1870 में ये थे, ठीक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बताना है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा ऑप्शन को, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो यहाँ पे सामान्य कोशिकाओं के गुणसूत्र की बात किया गया है, ना कि किसी स्पेशल की। तो यहाँ पे लगभग नॉर्मल 23 जोड़े होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मनुष्य के अंदर भी जो है 23 जोड़े ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक, जिसमें 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं, और एक गुणसूत्र जो 23वां होता है वो नर और मादा में अलग अलग होते हैं, ठीक। पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है, जिसे जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सीखने का सबसे अच्छा उपयुक्त अर्थ जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहार में परिमार्जन ही आपका सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये, सॉरी माफ़ कीजिए, बी जो है तनाव का नियम जो देखा गया है, ये तनाव का कोई नियम नहीं है। ये थार्नडाइक के द्वारा 3 नियम दिया गया था, ये तीनों नियम सही होगा, बट ये नहीं है। ये ऑप्शन में ये सही होगा, लेकिन ये तीनों जो है थे ये नहीं था, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन तो आपको फटाफट दिख ही रहा है, फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आप लोग सेशन को शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं और लाइक भी कर दीजिए फटाफट। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर इसका 85 नंबर का पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात किया गया है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे बच्चे के सीखने के प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग जो होते हैं एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ही राइट आंसर होगा। मॉडलिंग का तात्पर्य है जैसे कि कोई बच्चा किसी जैसे अपने पापा को अच्छे काम करते या कुछ भी काम करते देखता है तो वो सोचता है मैं इन्हीं के जैसा ही बनूंगा, ठीक। जैसे पिक्चर देखते हैं तो हीरो जो होता है छोटे बच्चे सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, और देखते होंगे आप लोग छोटे बच्चे अक्सर शक्तिमान का रूप धारण करके करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक, आप लोग को मालूम ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है यानी कि मेल नहीं खा रहा है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आत्मानुभूति जो है यही मेल नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 87 की तरफ चलते हैं। इनमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है। 87 तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम स्किनर साहब की और हैरीमैन साहब की, तो इन्हीं के अनुसार प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं
वो मानसिक प्रक्रिया में तीव्र होते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण है या विशेषता कह सकते हैं। और ये जो होते हैं अमूर्त विषयों में रुचिकर होते हैं और सामान्यतः ये विशाल शब्दकोश को याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उच्च आत्म या मानसिक प्रक्रियाओं वाले बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा किसे कहा जाता है या किस प्रकार का होता है। तो 88 में सुनने की बात किया गया है, तो सुनने में असमर्थ जो होता है वो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं तो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो अपने आप में विशिष्ट या विशेष होते हैं। कोई भी बच्चा जो है ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, किसके प्रति सचेत रहना चाहिए ये बताना है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, जैसे कि शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी साथ साथ जो शिक्षण होता है या शिक्षा ग्रहण की जाती है उस क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग में लाना या प्रयोग करना ही इसके लिए प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित का तात्पर्य है जो सुन ना सकने वाले बच्चे हैं को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा यंत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ब्रेल लिपि भाषा जो होती है ये तो मालूम है आप लोग को कि किसके लिए प्रयोग की जाती है, यहीं पे बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। तो सांकेतिक भाषा जो बोल या सुन नहीं पाते हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंकि आपके श्रवण बाधित की बात किया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्रेल लिपि जो होती है जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए भाषा का जो है यंत्र का प्रयोग करते हैं ब्रेल लिपि भाषा का। ठीक, तो बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक लड़की की रुचि जो है स्पोर्ट में है, मतलब खेल में है, तो और वह स्पोर्ट में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, तो आप उसे क्या परामर्श देंगे। चलिए देखते हैं क्या परामर्श हमें देना चाहिए अगर एक शिक्षक के रूप में आप कारोबार संभाल रहे हैं तो। तो यहाँ पे उसे हमें जो सलाह देनी चाहिए उससे कहना चाहिए कि उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। अगर यदि वो कठोर परिश्रम करती है तो अपने करियर को बना सकती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का उद्देश्य बताना है, जैसे बच्चों को समझाना है, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना है, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना है या फिर उपरोक्त सभी। देखिए परामर्श का उद्देश्य ये होता है, जैसे कोई भी पेशेंट, जैसे नॉर्मल पेशेंट है, कोई दिक्कत आती है तो वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसे सुझाव देता है या परामर्श देता है, दवा नहीं देता है। ठीक, या इलाज नहीं करता है, तो ये परामर्श है। लेकिन वहीं पर जब डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करने लगता है तो वहाँ पर वो उपचार देना हो जाता है। तो यहाँ पे उपचार और परामर्श अलग अलग अपने हिस्से होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि बच्चों को समझाना, यहाँ पे समझा रहा है ना कि उसको करके बता रहा है। ठीक, बच्चों की कमियों का कारण पता लगा रहा है उसके बाद उसको समझाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये सहायता प्रदान कराएगा लेकिन खुद नहीं करके बताएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखा संगठन क्या होता है। रेखा संगठन के बारे में बात करते हैं, तो रेखा संगठन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, माताओं का संगठन, महिलाओं का संगठन या फिर बालिकाओं का संगठन ऐसा कुछ नहीं है जो रेखा संगठन कहलाता है। बात करते हैं रेखा संगठन क्या है, तो रेखा संगठन विद्यालय में परामर्श देने के लिए एक सहयोगी संगठन होता है, यही को ठीक जो है रेखा संगठन के रूप में जाना जाता है। जैसे विद्यालय का अधीक्षक हो गया, प्रधानाचार्य होगा या अध्यापक गण हो गए, इनमें ये सभी जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए कहीं पूछ सकता है कि रेखा संगठन क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन युक्ति है। 94 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को कुछ या छूट देना कि
क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इस विषय में ये सबसे अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 95 पे। और एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, इसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वह जो कर रहा है वो किस प्रकार से क्या कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए वो आकलन कर रहा है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 96 का है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रयुक्त कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे 96 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी चीज़ आप जानेंगे तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सीखे हैं या किए हैं वैसे सेम नहीं कर सकते। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस सेट आप लोग फटाफट लगाते रहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और इसमें पूछा गया है कि NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए बच्चे जो बचपन में गलतियाँ करते हैं NCF उनके अनुसार NCF 2005 के अनुसार वो गलतियाँ नहीं होती हैं, वो भी एक सीखने का ही हिस्सा होती है ये कहा गया है। तो 90 इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पढ़िए, लिखा गया है कि यह बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध जो है अंतर्दृष्टि जो है उपलब्ध कराती है, यहीं पे तथा साधनों को पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ जो बच्चे करते हैं वो भी उनके सीखने का ही एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 98, इसमें मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो ये तो इजी प्रश्न है, सभी लोग को मालूम है। तो 14 प्रकार से जो मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किए हैं वो हमारे मैकडूगल साहब जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 99 पे चलते हैं, कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, जैसे बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक। नेक्स्ट है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि करे वही जो है अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 100 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें है कि कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, जैसे निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, या फिर शारीरिक दंड, या फिर सापेक्ष अधिगम। अगला है सहयोगितात्मक कक्षा। 100 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो होता है यही प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का जो है सबसे अच्छा उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इलाहाबाद शब्द का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न है ये, और 101 से लेकर के 130 प्रश्न जो हम लोग देखेंगे वो करंट अफेयर का प्रश्न रहेगा, और इसमें जो है जीके का प्रश्न रहेगा जो है सामान्य ज्ञान का। तो आप लोग हमारे साथ इसको फटाफट थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और आप लोग भी थोड़ा बोर होने लगे हैं। ठीक, तो चलिए 2.5 घंटा का वैसे बोर नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे का पेपर हम लोग लगभग 1 घंटे के अंदर जो है प्रयास करते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही समाप्त हो जाए। तो हमारे साथ ऐसे ही थोड़ा संघर्ष करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के ही लिए लेकर आते हैं जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें पूछा गया है कि इलाहाबाद का नाम जो है बदल कर हाल ही में क्या कर दिया गया है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है। और यही बात करते हैं कब किया गया था, तो ये अक्टूबर 2018 में ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 में चर्चा में आया भारत का पहला सोलर
साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 से 9 अक्टूबर 2018 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तजाकिस्तान की यात्रा की, इस यात्रा के दौरान भारत व तजाकिस्तान के बीच कितने समझौते हुए हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है अक्षर कट रहा है, तो मैंने पढ़ के जो है आप लोग को बता दिया है कितने समझौते हुए हैं ये लिखा गया है। तो यहाँ पे जो समझौतों की संख्या है वो 9 समझौते हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये पुराना प्रैक्टिस सेट है या करंट अफेयर है, यहाँ से नहीं फंस सकता। आप लोग को रिविजन करने में क्या जाता है, बहुत ज़्यादा 1 से 2 से 3 मिनट लगेगा, 30 प्रश्न हैं, फटाफट करते लीजिए, हो सकता है इसी में से प्रश्न फंस जाए। ठीक, चलिए। और आप लोग जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ताज़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ताज़ा भी जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। 104 प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में MSF दर कितना है? 104 का ये समय की बात किया गया है, तो यहाँ पे ये जो दर है 6.7% दर है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, ठीक क्या हो रहा है, तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। जैसे पहला है, हाल ही में DSRB नामक पनडुब्बी बचाव बचाव वाहन नौसेना में शामिल किया गया। अगला है, DSRB का उपयोग दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बियों को खोजने व उनके कमियों को बचाने के लिए किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा नहीं। ऑप्शन दिख रहा है और आपको कथन भी दिख रहा है, सेंटेंस दिख रहा है, तो 105 का ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों जो है सत्य हैं, यहाँ पे सत्य कथन ढूंढना है, दोनों सत्य हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के लिए सितंबर 2018 में गठित 8 सदस्यीय खोज समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो यहाँ पे 2018 में इस समय जो कार्य थे उनके विषय में बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रंजन प्रकाश देसाई जी इसके इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल कम्पटिटिव इंडेक्स 2018 में भारत किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पे कम्पटिटिव की बात किया गया है, तो ग्लोबल कम्पटिटिव में भारत का स्थान जो रहा वो 58वां स्थान रहा, 58वां स्थान रहा इसका। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का किस देश के साथ $75 बिलियन का द्विपक्षीय करेंसी स्वैप एग्रीमेंट संपन्न हो गया है? तो ये संपन्न जो हुआ था ये जापान के साथ संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, धर्म गार्जियन, देखिए ये जो दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास होते हैं ये कोई पुराना नहीं होता है, इसको पूछ लिया जा सकता है, ये जीके के अंतर्गत आपका प्रश्न बन जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्म गार्जियन 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों के बीच रहा? इसमें एक अपना भारत भी रहा, दूसरा देश जो रहा इसमें वो जापान रहा। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के अंतर्गत धर्म गार्जियन जो है युद्धाभ्यास रहा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये तो सभी को मालूम है कि ये चाइना जो है, चीन अपना पड़ोसी देश है, चीन चीन के द्वारा ही कृत्रिम चंद्रमा को लॉन्च करने की योजना बना दी गई है, और ये लॉन्च भी इस समय कर चुका है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, अपने भारत के। ऑप्शन नंबर जो है इसका भी सही हो जाएगा, भारत के नई दिल्ली में। भारत की नई दिल्ली जो है अपना राजस्थानी भी है, भारत का माफ कीजिए राजधानी है। ठीक, चलिए, क्या निकल रहा है मुँह से, क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, 11 का नई दिल्ली। 12 नंबर पर चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय कलाकार को फुकुओका का कला और सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो किया गया है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर तीजन बाई को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, स्पाइडरमैन, एक्समैन, एंटमैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध किरदारों को गढ़ने वाले तथा मार्वल कॉमिक्स संस्थापक व्यक्ति कौन है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? यानी कि ये जो सारी फिल्म आए थे इनमें जो
एक्टर के रूप में काम किए हैं, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, उनका क्या नाम था ये बताना है। तो उनका नाम जो था वो नाम है स्टेनली। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, रखिएगा। नेक्स्ट है, कुवैत में चल रहे एशियाई शॉटगन निशानेबाज प्रतियोगिता, निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस भारतीय देश निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे जो जीते गए हैं वो अंगद वीर सिंह के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 115, प्रसिद्ध पौराणिक शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब कर दिया गया? तो मैंने पहले ही बताया था 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही किया गया था। 101 नंबर का प्रश्न था और इसकी डेट जो रही वो डेट है 16 अक्टूबर 2018 को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए इतनी छोटी छोटी प्रश्नों को जो कभी सोच नहीं सकते उसको भी पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये जीके के अंतर्गत आपका आ जाएगा, स्टैटिक जीके जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में किसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए हैं? अच्छा, तीन को प्राप्त हुए हैं और एक को नहीं हुए हैं, इसी को ढूंढना है। 16 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जीतू राई को नहीं दिया गया है, बाकी नीरज चोपड़ा, जिनसन जनसन या फिर राही सरनो लत को ये मिल गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जीतू राय को ये नहीं दिया गया है पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनिसेफ का विशेष प्रतिनिधि नामित किया गया है? तो यूनिसेफ का जो विशेष प्रतिनिधि नामित किया गया है वो रवि वेंकटेशन जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 में वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2018 में किसे सबसे पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो किया गया है लुका मोड्रिक को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 119 पे चलते हैं और इसमें सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी मेगा परियोजना की स्थापना हेतु विशेष सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा कर दी गई है? तो ये जो घोषणा किया गया है ये 21 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल में बैठक हुई है और 10 मेगा परियोजना हेतु इसको रियायतों की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राम बाण सागर नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। ध्यान दीजिएगा, बाण सागर नहर परियोजना है जिसको राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया गया है। ये नहर परियोजना किस प्रदेश में है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इस पुस्तक का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग को मालूम है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये माई ट्रूथ लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस पुस्तक का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 121 का माई ट्रूथ 1980 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, गुग्गा नवमी सर्प पूजा किस से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है? ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? इस राज्य का नाम है हरियाणा, हरियाणा में ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, गुग्गा नवमी सर्प पूजा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये जो राज्य का नाम है गंगा सागर, ये ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? कथकली, धुलाल, छपेली। अच्छा, ये छपेली, देखिए छपेली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। छपेली जो है ये केरल का लोक नृत्य नहीं है, यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोक नृत्य शैली है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो वैसे उत्तर प्रदेश की नहीं कह सकते, उत्तराखंड की कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे लोक नृत्य नहीं है और वो भी केरल का, तो ये बताना है। बाकी सभी जैसे कथकली, धुलाल या फिर काइकोटिकली जो है, ये सभी जो है केरल की लोक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारतीय संगीत तंतुवाद यंत्र है? तंतुवाद यंत्र है ये बताना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे 25 नंबर का प्रश्न, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सुरबहार जो है ये भारतीय संगीत तंतुवाद है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। भौगोलिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। देखिए वर्तमान की नहीं पूछा गया है, प्रथम व्यक्ति के बारे में पूछ लिया गया है। आप लोग प्रथम व्यक्ति
प्रथम महिला या प्रथम कोई भी हो उसको जरूर रटे रहें, जुबान पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 126 का ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन को ये दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए भारतीय व्यक्ति की बात किया गया था, तो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति रहे जिनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है। अच्छा, रियो ओलंपिक में खेल को शामिल कर लिया गया है, ये बताना है। 127 का डी ऑप्शन सही होगा, गोल्फ को शामिल कर लिया गया है। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन कराता है या पुरालेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का, पक्षी का। तो सभी लोग को मालूम है कि पुरालेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, मंदिर नहीं शिलालेख का किया जाता है। ठीक, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तेजित होगा, क्या बोलना है क्या बोल जाते हैं। ठीक, ऐसा ही होता है जब आप लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ जल्दी जल्दी में या फास्ट फास्ट में कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलना कुछ चाहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष कौन से सन में हुआ था। तो इनका जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जो पदवी नाम था या जो कहा जाता था वो नेताजी सुभाष, नेताजी के नाम से जाना जाता था। उनका नाम, पूरा नाम ही ऐसे ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ है। ठीक, और 1897 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1897 याद रखिएगा, 23 जनवरी 1897। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। तो यहाँ पे दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसको कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में लिखी गई थी, उसी को ही दास कैपिटल के समाज का बाइबल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, दास कैपिटल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो है यहाँ पे 31 नंबर से ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, इसको आप लोग, हम आंसर को बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 5 प्रश्न हैं, फटाफट कर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, 2 से गुणा करके 3 जोड़ देना है इसमें, फिर इसमें जो है 2 से गुणा करके 6 जोड़ देना है, फिर अगले में 2 से गुणा करके 9 जोड़ देना है, फिर इसके बाद 2 से गुणा करके 12 जोड़ देना है, उसी के बाद यहाँ अगला 2 से गुणा करके 1500 जोड़ देना है, यानी कि 2 गुणा 2 से करना है इस पहले वाली संख्या में, और जोड़ना कितना है 15 जोड़ देना है, यानी कि 3 3 जो है का क्रम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है इसका 132 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा ये कैलेंडर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ये भी जो है घड़ी का ही प्रश्न है, यहाँ पे भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 6:25 जो है उस समय घड़ी बताएगी। ठीक, दर्पण। नेक्स्ट है 133 का, 133 में जो ऑप्शन सही हो जाएगा, 133 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा, डी ऑप्शन ही 4 जो है आएगा। 3 का विपरीत बताना है, डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं, 135 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी डी सही हो जाएगा, 4 वर्ष इसमें भी आ जाएगा। ठीक, यूट्यूब किस प्रकार की वेबसाइट है, जैसे शिक्षा है, मनोरंजन है, वीडियो शेयरिंग है या प्रूफ सभी हैं। तो बात करते हैं यूट्यूब की, यूट्यूब चैनल जो होता है ये जो है आपका सभी है, जैसे इस पर शिक्षा भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जैसे इस समय आप लोग यूट्यूब पर ही हमें जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो ये शिक्षा ही तो है। नेक्स्ट है मनोरंजन भी करते हैं, जैसे कॉमेडी, पिक्चर, मूवी सब देखते हैं, ये भी देखते हैं। नेक्स्ट है वीडियो शेयरिंग भी कर सकते हैं, किसी के पास भेजना है वो भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी कह सकते हैं सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रतिभा प्रभावी शिक्षक शिक्षण कौशल की विशेषता क्या होती है, 137 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये बताना है। तो प्रभावी शिक्षण कौशल की विशेषता जो होती है वो प्रभावशाली नियोजन होता है, वांछनीय सूचनाओं प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है भावी जीवन के मूल्यों की तैयारी होता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होने के साथ साथ डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1999 में, 1961 में, 1970 में, 1982 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मुक्त विश्वविद्यालय की बात किया गया है, वो भी आंध्र प्रदेश में। 133 का ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1982 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका डी। और बात करते हैं इस विश्वविद्यालय की
तो ये विश्वविद्यालय हैदराबाद में है और वर्तमान में इसका नाम बदलकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा जा सकता है कि मुक्त विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम पर इसको रख दिया गया है। नेक्स्ट है 139 नंबर का प्रश्न, इसमें चाकबोर्ड ड्राइंग क्या है। तो सबसे पहले चाकबोर्ड ड्राइंग के बारे में हम लोग देखते हैं, तो चाकबोर्ड पर चक्षुष दृश्य सामग्री केवल लेखन तथा सीमित तक नहीं बल्कि अवधारणाओं एवं पाठ को स्पष्ट करने हेतु आरेखों एवं क्रियात्मक दृश्यों का भी आरेखन सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। जैसे कि आरेखों क्रियात्मक दृश्यों आदि का चित्रण जहाँ भी होता है उसी को चाकबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए आप लोग बताइए, बहुत स्क्रीन टच मोबाइल चला रहे हैं, बताइए कौन सा मोबाइल कंपनी जो है पहले सबसे पहले लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च किया गया था IBM के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, 141 का बताना है। तो यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो सी ऑप्शन सही नहीं होगा। जैसे कि ये हमेशा सफल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल हो, जो आंतरिक रूप से भी प्रेरित बच्चे होते हैं वो भी जो हैं असफल होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमेशा सफल होते हैं, यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, और इसमें पूछा गया नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से क्या जो है बदलाव हो जाते हैं या क्या बदलाव होता है। तो ये बदलाव जो होता है इसमें विशेष किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो ये जो नियम है वो तत्परता का नियम है, जितने आप तत्पर होंगे उतने ही जल्दी या उतने ही तेजी से आप सीखेंगे किसी भी चीज़ को, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, कौन सी गतिविधि है। तो वो गतिविधि है आपका संवाद, जैसे कि वाद विवाद जो होता है, संवाद जो होता है, इसी के माध्यम से बच्चा गतिविधि सीखने में सक्षम होता है। जैसे कोई बच्चा को कभी किसी के साथ बोलने ना दो तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा, और कोई बच्चा है हमेशा किसी बड़े बुजुर्ग या अपने सहयोगी के साथ बातचीत करता है तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे संवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो सीखने में सक्षम बनाती है। ठीक, नेक्स्ट है, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि किसका एक सशक्त साधन है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सशक्त साधन होने का तात्पर्य है कि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने में इसका मुख्य काम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, तो ये सब ये क्यों करती है। तो इसके लिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, ऑप्शन नंबर बी डी स्पष्ट का राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं, तो यह उपागम जो है किस पे आधारित है ये बताना है। जैसे कि कोई भी बच्चा को कुछ सिखाया जा रहा है या प्रयोग कराया जा रहा है, तो बच्चा जो पहले सीखा है उसी पे उसको जो है लॉन्च कर रहा है या उसी के आधार पर उसको कर रहा है, तो यह किस उपागम का कार्य होता है ये बताना है। तो यह ज्ञान के निर्माण का पर आधारित है, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो देखिए कई प्रकार से बच्चा सीख सकता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर का, यहाँ पे देखिए चार सेंटेंस लिखे गए हैं और नीचे जो है आपका, एक मिनट, हाँ दिख रहा होगा, आप नीचे चारों ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग पढ़िए। और असफलता के बारे में सत्य कथन को चूज करना है, देखिए सत्य कथन बताना है, वो भी किसके विषय में, असफलता के बारे में, 149 का ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा।
तो यहाँ पे देखिए सी अगर और डी पढ़ रहे होंगे तो विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। तो विद्यार्थी जब फेल होते हैं तो वहाँ पे शिक्षण विधि फेल होती है ना कि विद्यार्थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। विद्यार्थी अगला जो है डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर अभिरुचि का ध्यान नहीं रखती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी सही होने के साथ बढ़ते हैं प्रश्न के आखिरी नंबर पे, और ये 150 प्रश्न का नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है, व्याख्यान विधि है, दृश्य श्रवण विधि है, या फिर चर्चा विधि है, या फिर परावर्तित विधि होगा। 150 का ऑप्शन नंबर देखिए सबसे अच्छा, किसी भी बच्चे को अगर वो धीमी गति से सीख रहा है, उसको तेज गति लाना है या बढ़िया बराबर ले में लाना है, तो उसको कोई भी दृश्य या सुनने वाली और देखने वाली चीज़ देंगे तो उसका जो है माइंड अपने आप डेवलप करने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री सही हो जाएगा, यही सबसे अधिक प्रभावी होगा। किस प्रकार के बालक के लिए? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए। तो ऑप्शन बी सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, और इस 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। और हमारा वीडियो अगर सही लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी प्रैक्टिस करने का लाभ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।